दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। एनबीसी न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम अपने स्टूडियो में हर समय एक नए शख्सियत को लेकर आपके सामने प्रकट होते हैं, और इस बार हमने एजुकेशन फील्ड में अपने महारत हासिल किए हुए एक ऐसे ही दो पर्सनैलिटी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। मैं आपको उनका परिचय करवाती हूँ। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं मनोज राम राव जी सायंकर, जो कि पेशे से एमटेक हैं और साथ ही साथ इन्हें 20 साल का एक्सपीरियंस भी है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसके साथ ही हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं शारदा मनोज सायंकर, जो कि मास्टर इन टेक्नोलॉजी में इन्होंने किया है। और मैम, काफी सालों से आप दोनों का जो एक्सपीरियंस है वो देखकर हम बहुत समय से आपको अपने इंस्टीट्यूट में बुलाने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली हमारी ये जो कोशिश है वो रंग लाई है। सर, आज हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि मेडिकल फील्ड JEE और IIT इसमें जाने के लिए स्टूडेंट्स को क्या चीज क्रैक करनी चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है? देखिए, अगर इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन लेनी है तो उसके लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE एग्जाम देनी पड़ती है। और इसके लिए ये क्यों देनी पड़ती है, तो जो हमारे इंडिया में 22 IITs है और 31 NITs है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है इनमें अच्छे से अच्छे बच्चे जाने चाहिए, उसके लिए हमें ये पूरे इंडिया से कुछ लड़कों को सेलेक्ट किया जाता है इस इन कॉलेजेस के लिए, तो उसके लिए उन बच्चों को देनी पड़ती है JEE की एग्जाम। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ अच्छे ही बच्चे ही एग्जाम दे सकते हैं, कोई भी बच्चे इस एग्जाम को दे सकता है। सिर्फ उसको 12th साइंस ऑप्ट करना पड़ता है और उसमें उसको कंपलसरी सब्जेक्ट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मैथ्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है उसके लिए। और ये एग्जाम बोर्ड की उसकी एग्जाम हो जाने के बाद ये एंट्रेंस की एग्जाम होती है हार्डली 1 या 2 महीने के अंदर, तो उसके लिए बच्चे को प्रिपेयर करना पड़ता है JEE, तब जाके कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, नॉट ओनली IIT या NITs, हम लोग कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज या मे बी वो बच्चा एडमिशन कर सकता है। इवन हमारे महाराष्ट्र में एक MST CET करके एग्जाम होती है, जो महाराष्ट्र के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें एडमिशन के लिए 12th साइंस के बाद ये एग्जाम देनी पड़ती है। तो ऐसी 2 एग्जाम होती है, एक JEE और एक होती है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की MST CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट्स जो है बच्चा है मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है तो उसे आफ्टर 12th साइंस तो लेना ही है, लेकिन ऐसी कौन सी एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा जिससे वो मेडिकल फील्ड में डायरेक्टली चले जाए? मेडिकल फील्ड में डायरेक्टली जाने के लिए बच्चे को तो फर्स्ट ऑफ ऑल 11th और 12th साइंस कंपलसरी लेना ही पड़ेगा। बायोलॉजी सब्जेक्ट कंपलसरी रहेगा, बायोलॉजी सब्जेक्ट उनको लेना पड़ेगा। और उसके बाद नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो उनको क्रैक करनी पड़ेगी, जिसके ही लिए हम लोग क्लासेस लेते हैं, बच्चों को ट्रेन करवाते हैं, बच्चों से बहुत मेहनत करवाते हैं और हम भी मेहनत करते हैं, तब जाके हमें रिजल्ट मिलता है। तो नीट अगर क्रैक कर लेते हैं बच्चे तो डेफिनेटली उनको मेडिकल फील्ड में डायरेक्टली एडमिशन मिल ही सकती है, तो मेहनत करनी पड़ेगी और फिर एडमिशन मिल जाएगी। मैम, ये बताइए कि आप भी एक इंस्टीट्यूट चला रही हैं, इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हैं आप लोग, तो नागपुर में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर हम महाराष्ट्र में देखते हैं कि अभी एक ऐसा ट्रेंड शुरू हो गया है कि बच्चों को महंगे से महंगे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए एड के माध्यम से बोलो या अलग अलग चीजों के माध्यम से लालच दिया जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या अच्छी फील्ड में जाने के लिए अच्छा इंस्टीट्यूट ही मायने रखता है? अच्छा इंस्टीट्यूट तो मायने रखता है वैसे, बट फिर भी हम लोग कहेंगे कि बच्चा कितना खुद मेहनत करता है जी, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम कहेंगे हम उनको पढ़ा सकते हैं, हमको बहुत मेहनत कराते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो कितना सीरियसली करते हैं, कितनी मेहनत करेंगे और कितने पेपर सॉल्व करेंगे, उनका खुद का इंटरेस्ट कितना है, ये भी उतना ही ज्यादा मायने रखता है। कई बार ऐसा होता है मैम कि हम लोग जब बड़े बड़े बैनर देखते हैं, बोर्ड देखते हैं या टीवी के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो
जिस इंस्टीट्यूट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है तो उनकी प्राइजेस जो रहती हैं प्राइजेस इतनी ज़्यादा हाई रहती हैं कि बच्चा वो सुन के ही अपना इंटरेस्ट वहीं ख़त्म कर देता है कि नहीं, मतलब वो मेंटेलिटी बना लेता है कि मेडिकल फील्ड में जाना है, IIT में जाना है और JEE में जाना है, तो मिडिल क्लास का बच्चा तो नहीं जा सकता बिकॉज उसकी जो प्राइस है वो 40-45 लाख के ऊपर जा रही है और मिडिल क्लास का बच्चा इतनी बड़ी अमाउंट नहीं पे कर सकता है, तो क्या ये राइट है? मुझे तो लगता है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिन इंस्टीट्यूट को फोकस किया जाता है कि वहीं पे जाके एडमिशन करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बच्चे को अगर प्रॉपर पाथ पता चल गई है कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है और किस तरीके से उसको बार बार रिवाइज करना है मैटर और कितने आवर्स उसको स्टडी के लिए देने हैं उसके, अगर ये उस बच्चे ने बराबर प्रॉपर वे, प्रॉपर पाथ, प्रॉपर बुक्स, क्योंकि हम कौन से बुक्स से पढ़ते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉपर बुक्स अगर वो बच्चे को मिल गए तो पुअर फैमिली का भी बच्चा इन एग्जाम्स को क्रैक कर सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अमीर का ही लड़का डॉक्टर बन सकता है और गरीब का लड़का नहीं बन सकता है, या अमीर का ही लड़का IIT में जा सकता है और गरीब लोगों के बच्चे नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी होता है और बच्चा खुद ब खुद भी प्रिपेयर कर सकता है, बट इतना होता है कि वो उतने बुक्स नहीं पढ़ सकता है जो टीचर्स 10-12 बुक्स से पढ़ के जो मैटर एक्सट्रैक्ट करके उसको बताती है कि बेटा इतना पढ़ लो, ठीक है, वो एक बच्चा उसके पास उतना समय ही नहीं होता है 2 साल का, इसलिए वो बच्चा उस लेवल तक क्रैक नहीं कर पाता है, बस ये थोड़ा रीजन होता है, इसलिए कुछ इंस्टीट्यूट को ज्यादा फोकस किया जाता है। बट मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि इतने ज्यादा पैसे देके इस इंस्टीट्यूट के अंदर ही जाना चाहिए। जी सर, मुझे पता चला है कि आपके इंस्टीट्यूट से एक बच्चे ने महाराष्ट्र टॉपर किया, टॉपर रहा है, तो किस सब्जेक्ट में उसने टॉप किया? हाँ जी, उसने वो लड़का महाराष्ट्र में MHT CET जो एग्जाम होती है हमारी इंजीनियरिंग की, उसमें उसने टॉप किया है, OBC कैटेगरी में महाराष्ट्र में से फर्स्ट है, और सबसे यानी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि वो हमारे जो छोटा सा शहर है हिंगनघाट, उसमें से उस बच्चे ने टॉप किया है और पूरे महाराष्ट्र को बता दिया कि हमारा हिंगनघाट भी कहीं कम नहीं है एजुकेशन में। और बच्चा एकदम यानी एकदम रेगुलर क्लासेस करता था, रेगुलर पढ़ाई करता था, और उसको जो हम लोगों ने जितना जितना पढ़ाया उसने हर एक उसके जितने भी सब्जेक्ट थे, मैथ्स था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, उसने हर एक सब्जेक्ट को किया, जैसे मेरे सब्जेक्ट में, मेरे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में भी वो टॉप में आए हैं, तो वो महाराष्ट्र का फर्स्ट है और अभी उसको गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे उसमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच भी मिली है। सर ये बताइए कि जब हम लोग मेडिकल IIT JEE की बात करते हैं तो ये बहुत हायर एजुकेशन होता है, इन सब चीजों की जो पढ़ाई रहती है बहुत काफी हाई रहती है, तो इस पीरियड में 2019 से लेकर तो 2021 तक और अभी भी 2022 में, ये इस बीच जो कोरोना काल आया तो उस पीरियड में बच्चों का जो एजुकेशन है वो कितना ज्यादा मतलब डाउन चला गया, तो ऐसे सिचुएशन में आपने अपने एकेडमी के माध्यम से बच्चों को किस प्रकार की सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड की है? मैडम ये जो दौर आया था 2-3 साल का, ये तो बहुत ही बुरा दौर था, और बच्चों के इससे देखा जाए तो उनको जो प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए था उनके पूरे एजुकेशन में ब्रेक लगा है, क्योंकि स्कूल्स कॉलेजेस ये तो सब बंद थे, फिर ऐसे वक्त मुझे लगता है कि जो इंस्टीट्यूट्स थे, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आई थी। Exactly. और कैसा हुआ था कि जैसे हम लोग एक इंस्टीट्यूट को रन करते हैं तो इस वक्त ऐसा होता है कि हमारे पास जितने भी बच्चे होते हैं ये उनकी हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनका पूरा एजुकेशन पूरा होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों को वीडियोस बनाने पड़े, हम लोगों को एप्स लेने पड़े कि ताकि वो बच्चा अपने घर पे बैठा रहे और हम हमारे घर से उनको पढ़ा सके, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था कि हम एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते थे, कोई कॉन्टैक्ट में भी नहीं आ सकता था, तो बच्चों को हम लोगों ने वीडियोस के माध्यम के थ्रू हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन दिया उस दौरान 2 साल। उनके पास नोट्स अवेलेबल नहीं होती थी तो हम लोगों को उस दौरान जाके उनके घर तक, मैं जैसे मेरे वर्धा जिला में बहुत से अलग अलग गांव से बच्चे रहते थे तो उनके घर तक जाके मैंने नोट्स पहुंचाई उस दौरान, ताकि वो बच्चा कम से कम घर में बैठ के पढ़े, क्योंकि वो पीरियड करीब करीब 6-7 महीने का पीरियड था। Exactly. जो कि बच्चे के एजुकेशन के हिसाब से वो बहुत बड़ा लंबा पीरियड है, हम अगर काउंट करें तो नियर अबाउट 1 साल के करीब होता है। जी. तो उस बच्चे का उतना लॉस ना हो उसके लिए हम लोगों ने बहुत, हमने भी मेहनत की, बच्चों से भी मेहनत करवाए, ऑनलाइन उनके टेस्ट लेते थे हमारे सामने, उनको गूगल मीट पे, जूम पे
उनको हमारे सामने ऑनलाइन रह के उनको पेपर लिखने लगाते थे और जैसे हमारे सामने उन्होंने लिख के बताया तभी हम उनका पेपर एक्सेप्ट करते थे। सर ये बताइए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में तो बहुत फर्क होता है, तो अब आपकी जिम्मेदारी जो है वो ऑफलाइन में तो बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी ऑनलाइन में। ऑनलाइन में कैसा होता है मैडम, हम ही हीरो रहते हैं, हम ही डायरेक्टर रहते हैं, ठीक है, हम जो कंटेंट देंगे वो सामने वाले को पढ़ना होता है। बट जब ऑफलाइन क्लास होता है उस बच्चे के चेहरे से हमें पता चलता है कि हमारा जो कंटेंट पहुंचाया हुआ है वो प्रॉपर जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसके एक्सप्रेशन हमें बता देते हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है। तो हम लोग उसको जितना नॉलेज ऑफलाइन में दे सकते हैं मुझे नहीं लगता है कि उतना नॉलेज ऑनलाइन से जा सकता है। अगर ऑनलाइन से एजुकेशन हुआ रहता तो शायद इंडिया में सभी लोग घर में बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन किए रहते। ये ऑनलाइन के सिचुएशन ही ऐसी थी कि हर बच्चा चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो सभी जो है वो अपने एजुकेशन में कहीं ना कहीं पीछे आ गए हैं ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से। और सर मुझे जहां तक मेरा नॉलेज है कि इस पीरियड में मतलब कोरोना काल में मैंने सुना है कि आप दोनों ही सोशल एक्टिविटीज जो में थे, जो सोशल एक्टिविटी हो रही थी तो उसमें भी आप लोगों का योगदान बहुत ज्यादा था। स्पेशली मैंने सुना है कि हिंगन घाट के विधायक समीर पुनावार के द्वारा जो मील मजदूर के बच्चे थे उन्हें भी आपने एजुकेशन देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, तो कैसा दौर था वो? उस दौरान क्या हुआ मैडम, कोरोना के वक्त हमारे यहाँ पर एक मील है कपड़ा मील, वो मील के कुछ मजदूरों को बाहर निकाल दिया गया था मील मालक ने, तो फिर उनके बच्चों के एजुकेशन का भी थोड़ा क्वेश्चन आया था। तो जो हमारे विधायक थे कुनावर जी, उन्होंने फिर ऐसे कुछ बच्चों को दत्तक लिया और उन्होंने फिर हम टीचर्स लोगों को जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले थे उनको बुला के उन्होंने बताया कि इन बच्चों को अपने को पढ़ाना है। तो फिर उन्होंने हमको कुछ बच्चे बांट दिए और उनका फिर हम लोगों ने फ्री एजुकेशन में हम लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया और उन बच्चों का आज अभी एजुकेशन हो रहा है और अभी वो 12th की एग्जाम देंगे मैडम। अच्छा अच्छा मैम, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे सर तो कर ही रहे हैं लेकिन बीइंग अ लेडी आप अपने फैमिली को भी संभाल रही हैं, अपने इंस्टीट्यूट को भी संभाल रही है और अपने स्टूडेंट्स को भी हैंडल कर रही है, तो आप ये तीनों चारों चीजें कैसे मैनेज करती हैं? बहुत डिफिकल्ट हो सकता था लेकिन मेरे फैमिली का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मेरी बेटी का मुझे बहुत सपोर्ट है, वो भी मतलब बहुत मैनेज कर लेती है। और हम लोग, हमारे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी हमारे बच्चे हैं, ट्यूशन के बच्चे, कि लाइक उनको हमें ट्रेन करना है, उनको कुछ भी करके उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हम उनके लिए बहुत मेहनत करते हैं और उतना ही कोऑर्डिनेट हमारे बच्चे भी हमें करते हैं। फैमिली तो सपोर्ट कर देती है, बीइंग अ लेडी सच में ये सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती है, लेकिन अभी तो इतनी हैबिट हो चुकी है कि मैं तो कहूँगी कि हर एक लेडी ने घर से बाहर निकलना चाहिए और कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, क्योंकि अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हमने सोचा तो हम बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। जो मैंने अभी कुछ साल में फेस किए हैं कुछ प्रॉब्लम्स और फिर उसके बाद जाके आज कहीं पर हम लोग स्टेबल हो रहे हैं। हमने वर्धा में 3 अलग अलग इंस्टीट्यूट ओपन किए हैं, हम लोग वहां भी कोचिंग देते हैं और फिर हिंगन घाट में रोज अप डाउन करते हैं, तो फिर इन सारी सिचुएशंस को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी हमने अभी सब कुछ कवर कर लिया है, हो चुका है अभी मैनेज। मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि आप निकलिए, अगर आपके अंदर हुनर टैलेंट है तो मौका हर किसी को मिलता है, डिपेंड करता है कि आप उस मौके का फायदा उठाते हैं या नहीं। और रही बात स्ट्रगलिंग की, मैंने सुना है कि आप दोनों का ही जो लाइफ है वो बहुत स्ट्रगल भरा रहा है, जैसे हिंगन घाट से वर्धा ठीक है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इतने सारे इंस्टीट्यूट, इतने सारे बच्चों को जो आपका मैनेजमेंट है वो बहुत पावरफुल है, तो कैसे मैनेज करते हैं सर आप दोनों इसका? हमारा तो दिन की शुरुआत ही सुबह 5 बजे से हो जाती है, सुबह 6 बजे की पहली बैच होती है और ऐसा हम लोग कंटिन्यूअसली रात को 8 बजे तक कंटिन्यू वर्क करते हैं। हम दूसरे के बच्चों को पढ़ाते हैं बट हमारे खुद के बच्चों को पढ़ाने के लिए समय नहीं होता है, बट एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और एक बात बहुत अच्छी लगती है कि इन सभी चीजों को सराहा जाता है, जैसे मुझे एक अवार्ड भी मिला है, सावित्री बाई फुले शिक्षा रत्न पुरस्कार, हमारे जो सांसद है रामदास जी तड़स उनके हाथों मुझे मिला है। तो ये कैसा होता है, ये जब सराहा जाता है हमें और एक एनर्जी मिलती है और ऊर्जा मिलती है, तो उससे बहुत अच्छा लगता है, हम और मेहनत में आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि कैसा होता है, किसी भी इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बोले बिल्कुल एक विमन का हाथ होता है, तो जैसे मेरे साथ मेरी मिसेस साथ में है तो हम दोनों मिलके अच्छे से अच्छे बना बच्चों को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा जो रीजन है उस रीजन से ज्यादा मेडिकल के बच्चे या IITs
के बच्चे जो है ये साथ में रहे हमारे लिए साथ, और एक हमारे सर है काटकर सर, वो भी बहुत हेल्प करते हैं और हम तीनों मिलके अच्छे से अच्छे बच्चों को वहां से डेवलप करा के, क्योंकि क्या होता है अभी एक ट्रेंड आ गया है कि जो बच्चा होता है वो गांव के लोगों पे भरोसा न करते हुए बड़े बड़े सिटीज में बड़े बड़े बैनर के पीछे दौड़ता है। Exactly, बट हमको प्रूव करके बताना है कि हम लोगों में भी उतना ही टैलेंट है और हम लोग भी उस बच्चे को वहां तक पहुंचा सकते हैं। उतने हम उनके उतने अमाउंट नहीं लेते हैं, हम हमारे गांव के हिसाब से हमारा अमाउंट बहुत छोटा होता है, बट स्टिल वो बच्चों को डेवलप कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे हमारा स्ट्रगल तो चलते ही रहेगा तो हम हारेंगे नहीं और हम बिना स्ट्रगल के कुछ मिलता नहीं है ना। तो इसलिए कैसा है, स्ट्रगल तो मेरे लाइफ में पहले से ही था, बट स्टिल बहुत अच्छा लगता है कि जब महाराष्ट्र टॉपर आता है। और अभी ये इच्छा है कि हाईएस्ट मार्क वाला मेडिकल का बच्चा या आईआईटी का बच्चा भी हमारे रीजन से अगर निकले और वो हमारे इंस्टीट्यूट से निकले तो एक हमारा और अच्छा एक अचीवमेंट रहेगा। दर्शकों ने उन्हें बहुत अच्छी बातें बताई कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपने हमारे स्टूडियो में देखा है। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि एक लेडी को भी जब तक उसके फैमिली का सपोर्ट ना मिले तो वो शायद कुछ भी नहीं कर पाती है, बहुत सी चीजें वो कर चाहकर भी नहीं कर पाएगी, बिकॉज अगर उसको किसी का सपोर्ट ना हो तो। और अगर सर ने जैसा कि कहा, इतनी बड़ी बात आज उन्होंने हमारे स्टूडियो के माध्यम से की है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और मेरे पीछे भी मेरी वाइफ का हाथ है, और मैम ने भी कहा कि मुझे मेरे लाइफ पार्टनर का सपोर्ट है, तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है ये आगे भी आप लोगों का बरकरार रहे। आप लोग इसी तरह महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स जो हैं वो टॉपर स्टूडेंट्स आपके इंस्टीट्यूट से निकले, ऐसी हम इच्छा रखते हैं। दोस्तों एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं मनोज राम राव जी सायनकर, जो कि एमटेक हैं, और शारदा मनोज सायनकर जिन्होंने एमटेक किया है और मेडिकल जीईई आईआईटी फील्ड से रिलेटेड बहुत सी जानकारियां जो है हमने इनसे ली हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि इनसे ये सारी जानकारियां लें तो आप इनके इंस्टीट्यूट में जरूर विजिट करें। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।